गुड मॉर्निंग गाइस, अभी न्यू ईयर 2021 का पहला सनराइज़ मैं देखने वाला हूँ एंड ये एक्सपीरियंस भी बहुत ही बेहतरीन रहेगा क्योंकि 2021 का पहला सनराइज़ है दैट टू इस जगह पर एंड ये एक फीलिंग अमेजिंग सा रहने वाला है एंड यहाँ का लुक बहुत ही बेहतरीन है जो कि आप देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। हे गाइस, दिस इज़ प्रसाद एंड यू वॉचिंग ऑल अबाउट एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। सो आज के इस एपिसोड में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलेगी, बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेगी, साथ साथ आप पूरा का पूरा नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो मैं आज आपको लेके जाने वाला हूँ लुआ खम्बो, जिसको लुआ खम्बेश्वर भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर एक शिव टेम्पल है एंड आज हम ट्रैकिंग करके ऊपर जा रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ पर नाइट स्टे करने वाले हैं, वहाँ पर हम छोटा सा एक पिकनिक करने वाले हैं, थोड़ा सा कुक बुक करके खा के आने वाले हैं। सो ये एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, वीडियो एंड तक देखिए एंड बाद में आपको पता चलेगा ये प्लेस कितना बेहतरीन है एंड पिकनिक करने के लिए कितना अच्छा है। सो लेट्स एक्सप्लोर लुआ खम्बेश्वर ऑफ गजपति डिस्ट्रिक्ट। लुआ खम्बेश्वर एक्चुअली गजपति डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है एंड ये प्लेस मांकड़डिया वाटरफॉल्स है, लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप कार में या फिर ऑटो वगैरह में आते हो डेफिनेटली आपको इस तरह से पैदल चलना पड़ेगा या फिर आपको गाड़ियां वगैरह धक्का मार के भी ऊपर रहना पड़ सकता है। ये अभी लास्ट प्लेस है जहाँ पर आप गाड़ियाँ वगैरह पार करके ऊपर जा सकते हैं, यानी कि ये लास्ट गांव है एंड इसके आगे आप नहीं जा सकते, इसके आगे गाड़ियाँ वगैरह नहीं जा सकती। सो यहाँ से आपको चल के जाना पड़ेगा। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं यानी कि पहाड़ के ऊपर जहाँ वो शिव मंदिर है, हम अभी वहीं पर जा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह के रास्ते देखने को मिलेंगे, जैसे कि वो लड़का जा रहा है सामान वगैरह उठा के एंड आपको ऐसे ही पत्थर एंड मिट्टी का रास्ता देखने को मिलेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है एंड पहाड़ को कट करके ही ये रास्ता बनाया गया है। सो आपको इसी तरह का ही रास्ता देखने को मिलेगा अप टू पहाड़ के ऊपर पहुंचने तक एंड मुझे लगता है कि हम शायद उस पर जाने वाले हैं, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन उस पर जाने वाले हैं। अभी मेरी हालत देखकर आपको पता चल गया होगा कि मैं कितना पसीना पसीना हो चुका हूँ एंड अभी आधा रास्ता भी नहीं हुआ है, अभी बहुत ऊपर जाना है। ये ट्रैकिंग फिर से रोमांचक होने वाला है। सो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे आपको ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि मेरे पीछे यहाँ पर गन्ने का खेत था, अभी ये पूरा एरिया खाली है लेकिन यहाँ पर गन्ने का खेत था। तो अभी भी कुछ कुछ गन्ने आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। तो आधे रास्ते चल के आने के बाद पता चला कि ऊपर गाड़ियाँ भी जाती है यानी कि टू व्हीलर्स, जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग गाड़ियों में बैठे हुए हैं एंड वो बोल रहे हैं कि ऊपर ईजिली गाड़ी जा सकता है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके अगर गाड़ी ऊपर तक लेके जाते हो तो टू व्हीलर ईजिली जा सकता है एंड एक गाड़ी में आप दो जन सवार होके जा सकते हैं, अभी पता चला। लेकिन भाई हालत अभी तक ख़राब हो चुकी है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्यों हम गाड़ी लेके नहीं आए क्योंकि पीछे दो गाड़ियां खड़ी हैं, वो ऊपर से रिटर्न हो रहे हैं एंड मैं जिस ग्रुप के साथ आया हूं वो लोग उनसे बात कर रहे हैं कि कैसा था सफ़र ऊपर, कैसा कुछ है। सो अभी चल के तो आए हैं, देखते हैं ऊपर जाके क्या कुछ है। बस ए बस
ऐसे ही रास्ते आपको देखने को मिलेंगे, आगे सिर्फ रास्ते ही रास्ते हैं। मैं अभी अकेला हूँ एंड मेरे कुछ दोस्त आगे हैं एंड ग्रुप के और कुछ जो मेंबर्स हैं वो पीछे हैं। ट्रैकिंग के वक्त आपको बीच में एक छोटा सा वाटरफॉल देखने को मिलेगा, छोटा सा झर देखने को मिलेगा, वहाँ पर आप फ्रेशन अप भी हो सकते हैं एंड यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा है। तो अभी लगभग 4 बज चुके हैं एंड अंधेरा अभी से हमको महसूस हो रहा है कि जल्दी अंधेरा होने वाला है। पसीने से तो पूरा भीग चुके हैं एंड अगर अंधेरा हो गया तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ऊपर आपको एक भी लाइट नहीं मिलेगी, जो मोबाइल का जो नेटवर्क है वो भी नहीं मिलेगा। सो आप किसी को कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकते कि ऊपर कैसे पहुँचा जा सकता है। सो अगर आप ग्रुप में आते हो तो बेटर रहेगा एंड अगर जल्दी आते हो तो बेटर रहेगा, यानी कि इवनिंग तक, यानी कि सूरज डूबने तक आप अगर ऊपर पहुंच जाते हो तो ये बेहतर है। हम ऐसे गोल 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 घूम के ऊपर जा रहे हैं, मतलब इस तरह का कुछ। अभी और ऊपर जा रहे हैं, आधे दोस्त आगे हैं एंड ग्रुप के और कुछ मेंबर्स अभी भी पीछे हैं, बीच में हम जा रहे हैं। तो हमारे लिए अच्छा है कि हम रास्ता ना भटक जाए, क्योंकि आगे जो है वो लोकल है, पीछे जो है वो भी लोकल है एंड हम बाहर से आए हुए हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। सो हमारे लिए बेहतरीन है बीच में ग्रुप बना के जाना। क्या भाई थक गए? सो यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक इस साइड वहाँ पर रेड कलर का एक कपड़ा लगा हुआ है, ये एक रास्ता है, और दूसरा वाला रास्ता ये है जिस साइड आप पूरा प्लेन रास्ते में आप ऊपर जा सकते हैं एंड ये साइड जो है ये पहाड़ चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब आपको पत्थर के बीच में से, पेड़ों के बीच में से आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये आपको अच्छा खासा रास्ता मिल जाएगा ऊपर जाने के लिए। फिर हम इस रास्ते से जाएंगे क्योंकि अंधेरा हो चुका है। सो पूरा अंधेरा है अभी एंड हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी 6 बजे से ऊपर हो चुका है, शायद 6:30 या फिर 7। सो लेट्स गो, शायद अभी भी मे बी 1 आवर या फिर उससे ज़्यादा चलना पड़ेगा ऊपर पहुंचने के लिए। अभी रात के कुछ 8:30 बज रहे हैं एंड हम यहाँ पर आके पहुँचे लगभग 7 बजे। हम अभी जिस जगह पर रुके हैं वो लोहा खम्बेश्वर जो टेंपल है उसके पास ही एक छोटा सा शेड है, वहाँ पर हमने खाना बनाने के लिए
एक जगह लिया एंड वहीं पर हम आज रात गुजारने वाले हैं। सो दोपहर के 3 बजे से लेके रात के शाम के 7 बजे तक हम कंटिन्यूसली चल के यहाँ तक पहुँचे एंड मुझे लगा था 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र होगा, लेकिन आने के बाद पता चला लगभग हमने 7 किलोमीटर की चढ़ाई की है ऊपर आने के लिए। सो अभी यहाँ पर आने के बाद हम थोड़ा सा कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं खाने के लिए एंड ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसीलिए हमने सोचा थोड़ा सा चाय वाय पिया जाए एंड ठंड के मौसम में चाय की कॉम्बिनेशन तो बेहतर ही होगा। सो हम अभी थोड़ा सा चाय पियेंगे एंड उसके बाद हमारा जो उड़ीसा का स्पेशल है भात एंड डालमा वो प्रिपेयर होने वाला है, क्योंकि नाइट स्टे पिकनिक एंड साथ में भात डालमा कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है एंड मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा कि ये कितना बेहतरीन होगा, ये रात कितना रोमांचक होगा। रात को कुछ 11:30 बजे हमने हमारा डिनर कंप्लीट किया एंड उसके बाद हम वहीं पे सो गए एंड हम इस जगह पे रुके थे एंड ये जगह आपको सुबह ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन रात को इतना अंधेरा था कि हमें ये जगह किस तरह का है, कौन सी जगह है, ये भी नहीं पता चल रहा था। जितना भी फ्लैश लाइट है आपके पास या फिर टॉर्च लाइट है, अंधेरे के टाइम पर तो बहुत दिक्कत होती है एंड हमें भी कुछ उस टाइप हुआ रात को, लेकिन ये एक और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। आफ्टर महेंद्रगिरी ये सेकंड टाइम है मेरे लिए कहीं पे ट्रैकिंग पे जाना एंड फिर वहाँ पर नाइट स्टे करना एंड मेरी आवाज़ से आपको पता चल ही गया होगा कि रात को कितनी ठंड थी एंड ठंड की वजह से मेरा गला भी बैठ गया है। सुबह यहाँ पर आकर हमने एक अलग ही नज़ारे का एक्सपीरियंस लिया। अब हम सनराइज़ देखने के लिए जा रहे हैं, सो चलिए देखते हैं यहाँ का ब्यूटीफुल सनराइज़। तो अभी कुछ ही समय पहले मैं था नीचे एंड अब आई थिंक इस एरिया का सबसे टॉप जो प्लेस है वहाँ पर हूँ, यानी कि गसू डिस्ट्रिक्ट का आई थिंक ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है आफ्टर महेंद्रगिरी। ये जगह तो कुछ नहीं, मैं इससे भी ऊपर जो जगह है वहाँ पर जा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ चारों ओर आपको पत्थर एंड पेड़ पौधे दिखाई देंगे एंड पत्थरों के बीच में से होकर आपको ऊपर जाना पड़ेगा एंड नीचे भी मैंने सुना है एंड कुछ कुछ वीडियोस या फिर फोटोज़ देखे हैं जहाँ पर नीचे जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पर भी शिव जी को देखने को मिलेगा, वो भी पत्थरों के बीच में। सीन बहुत ही बेहतरीन है, मेरे पीछे सनराइज हो रहा है एंड इस साइड आपको मून भी देखने को मिलेगा ऊपर। सो
सो अभी मैं ऊपर से जा रहा हूँ नीचे की ओर एंड वहाँ पर मंदिर है जहाँ पर कि आपको दर्शन मिलेगा लोहा खम्बेश्वर यानी कि शिव जी का। एंड वहाँ पर दो पत्थरों के बीच पहाड़ों के बीच में आपको भगवान शिव जी दर्शन देंगे। सो चलिए चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर किस तरह का है कुछ एंड दर्शन करेंगे शिव जी का। सो अगर आप नहाना चाहते हो तो इधर आकर नहा सकते हो, ये मंदिर के थोड़े से नीचे एक प्लेस है जहाँ पर आप आके नहा सकते हो। यहाँ का और एक खासियत है, आपको शायद मजाक लगेगा लेकिन जब आप रिटर्न करते हो तब आप ऊपर से 4 से 5 कुत्ते आपके साथ आएंगे एंड नीचे तक जो 7 किलोमीटर आप नीचे जाएंगे तब तक आपके साथ जाएंगे आपको छोड़ने के लिए। एंड ये हमारे साथ ही नहीं, जो कोई भी ग्रुप आता है, जो कोई भी टोली आता है ऊपर रात को रुकता है या फिर कुकिंग वगैरह करके खाना वाना खा के जाता है, उनके साथ वो लोग जाते हैं। सो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ की एंड शायद ये किसी किसी को मजाक भी लगेगा लेकिन दिस इज़ द फैक्ट थिंग। एंड अभी भी हमारे साथ वो जा रहे हैं। सो आई एम साइनिंग आउट फ्रॉम दिस प्लेस एंड फिर से मिलेंगे और एक ब्लॉग में और एक बेहतरीन एपिसोड में, ऐसे ही किसी वादियों में, किसी जंगल में, किसी पहाड़ पर ट्रैकिंग करते हुए। सो फिर मिलते हैं और एक ब्लॉग में।